हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से हमारे लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को जोर शोर तरीके से कर रहे होंगे। क्लियर है? सो गाइस, आज हम रीजनिंग स्पेशल में कैलेंडर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, सो पिछली क्लास कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने बीच में ही रोकनी पड़ी थी। ठीक है, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने लास्ट में यही पढ़ रहे थे कि कैलेंडर ईयर सेम कब होते हैं। मंथ के बारे में पढ़ा कि पूरे एक साल में लीप ईयर में कौन कौन से मंथ सेम होते हैं, बोथ लीप एंड ऑर्डिनरी ईयर में कौन से सेम होते हैं, और ऑर्डिनरी अलग से ऑर्डिनरी ईयर में कौन कौन से मंथ सेम होते हैं। सॉरी, उसके बाद हमने ईयर्स के बारे में पढ़ा कि पूरे के पूरे ईयर्स का कैलेंडर सेम कब होता है, और उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि अगर लीप ईयर होगा तो हमें प्लस 28 ईयर, यानी कि अगर आज लीप ईयर है ना, तो आज का कैलेंडर सेम कब आएगा, अगले 28 साल के बाद। अगर लीप प्लस वन ईयर होगा तो आपके प्लस 6 ईयर, हर 6 साल के बाद वो कैलेंडर सेम आ जाता है। अगर लीप प्लस 2 है या फिर लीप प्लस 3 है, इन दोनों के केस में क्या आता है, प्लस 11 ईयर्स। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी दी थी आपको। गाइस, आपको मैं इतना बता दूं, ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आपको आते हैं। क्या क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बताओ अगर सॉरी अगर किसी बंदे का बर्थडे जो है सॉरी या कोई बंदा अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी उसने मंडे को मनाई है, तो बताओ अगले कौन से साल में, कितने साल के बाद फिर से अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मंडे को मनाएगा। ठीक है, या फिर इस तरह से बोलेगा कि आज इस बार, ठीक है, इस साल में 26 जनवरी, ठीक है, मान लो वो साल था 2021, 26 जनवरी 2021 जो है वो इस बार ट्यूजडे को आई है, तो मुझे बताओ अगली बार 26 जनवरी या फिर रिपब्लिक डे है जो, वो कौन से ईयर को आएगा जब वो फिर से ट्यूसडे को आएगा। ऐसा कब होगा, ऐसा कितने साल के बाद होगा कि 26 जनवरी या रिपब्लिक डे फिर से ट्यूसडे को आएगा। कहने का तो यही मतलब है ना कि सेम कैलेंडर ईयर कब आएगा, कैलेंडर सेम कब होगा, तब आपके यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं चाहता आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि प्लस 6 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 11 करें ना, आपका आंसर निकल जाएगा। बट होता क्या है, आप तो आज बोल देते कि सर हाँ बिल्कुल ईजी है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा दिया, ठीक है, खुश भी हो जाते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन चलता। अगले चौथे दिन सर ने आपने फिर से बोलना था, सर यार हमने तो कैलेंडर किया था, वो तो भूल गया, हमें तो पता ही नहीं चला वो कितना प्लस करना था, लीप में 28 प्लस करना था या लीप प्लस 1 में 28 प्लस करना था। इसीलिए मैंने आपको पहले इसका बेसिक बताया कि ऐसा होता कैसे है, कैसे कैसे हमें दिन प्लस करने पड़ते हैं, कैसे कैसे दिन माइनस करने पड़ते हैं, ये सब कुछ आपको बताया। बताने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक सेकंड, ये था हमारी पिछली क्लास का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, किस तरह से हमें बढ़ना है, किस तरह से इसको कैलेंडर सेम ईयर करना है। एक एग्जांपल बता देता हूं, बताओ अगर आज 2035 को, ठीक है, 2035 के बाद इसका सेम ईयर कैलेंडर कब आएगा, 2035 के बाद। आपने देखा ये लीप ईयर के बाद कौन सा है, लीप ईयर प्लस 3 है ना, देखा आपने 32 और 3 35, 32 लीप ईयर आया तो प्लस 3, यानी कि प्लस 3 वाला केस है, तो कितने साल बढ़ाने पड़ेंगे इसको, आपको बढ़ाने पड़ेंगे 11 साल। तो 35 और 11 कितने हो जाएंगे, 6402, 2046 को इसका कैलेंडर ईयर सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर 2035 को आपका रिपब्लिक डे आ रहा है मंडे को, फिर उसके बाद 2046 को रिपब्लिक डे जो है वो आपका मंडे को आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये था आपका कैलेंडर का कंसेप्ट, सेम कैलेंडर होना या फिर सेम मंथ होना एक साल के अंदर। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज हम करेंगे लीप ईयर का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर।
कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर। लीप ईयर तो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लीप ईयर है चार से डिवाइड होगा, ये लीप ईयर है ये चार से डिवाइड होगा, बट कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस में भी लीप ईयर ये चार से डिवाइड होने वाला गलत हो जाता है। वो गलत क्यों होता है वो आपको सिखाएंगे हम आज। सबसे पहले मैं आपको पूछूं अगर कि बताओ मुझे एक साल में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वन ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आप तो पहले आपका तो आंसर ये रहेगा सर ऑर्डिनरी ईयर में 365 और लीप ईयर में 366। बट मैं अगर एग्जैक्टली बात करूं तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 365 डेज, ठीक है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट, ठीक है, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स और 45.51 सेकेंड, भाई ये है आपका एक साल के अंदर दिन। टोटल जो है एग्जैक्टली जो है एक्यूरेटली वो क्या है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, ठीक है। जब ये टोटल कैलकुलेट किया गया था तो आपका टाइम ये आया था, अभी चलो एक आधा सेकेंड आगे पीछे हो गया होगा, बट जो एक्यूरेटली जो है ना ऐसे तो हम बोलते हैं ना ऐसे तो हम बोलते हैं 365 दिन 6 घंटे, ऐसे ही बोलते हैं ना 365 दिन 6 घंटे, और यही 6 घंटे 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है, इसलिए 304 साल के बाद हम लीप ईयर कर लेते हैं। बट जब एग्जैक्टली इसकी एक्यूरेट वैल्यू देखी गई तब आपका आया 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया, इसको हमने मान लिया अप्रोक्सीमेटली 365 डेज, यही माना अप्रोक्सीमेटली हमने हर साल काउंट किए 365 डेज, और जब 4 साल के बाद ये जो 5 घंटे 48 इसको भी हमने पूरा अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स माना, और 6 आवर्स आपके हर 4 साल के बाद 24 आवर्स करके एक दिन ऐड हो जाता है, तो वही 4 साल के बाद आपके कहलाते हैं 366 डेज। यही था आपका लीप ईयर का कंसेप्ट। बट अब भी देखोगे अब भी तो आएगा थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आएगा देखो, आपको इतना पता चल गया कि 4 साल के बाद 366 डेज हो रहे हैं, एक दिन ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि 6 चौके 24 हो रहे हैं, है ना, आपने भी कहा कैलेंडर वालों ने भी कहा, तो मान लिया चलो चलते गए इसी तरह से चलते गए, हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ रहा है, हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ रहा है। बट क्या हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ जब एक्स्ट्रा टाइम, देखो जब इस तरह से बढ़ता गया टाइम, इस तरह से बढ़ता गया, जब 400 साल हुए तब हमने देखा कि भाई ये जो 48 मिनट 45.51 सेकेंड जो है इसकी जगह भी हम पूरा 1 आवर काउंट कर रहे हैं। 1 आवर काउंट करने का क्या मतलब, हम हर साल अप्रोक्सीमेटली 12 या फिर 11.5 मिनट ज्यादा ले रहे हैं ना। हर साल हमने बोला 365 दिन 6 घंटे, बट है तो ये 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड, वो टाइम किधर गया, जो टाइम आप ज्यादा ले रहे हो वो टाइम किधर गया। और जब ऐसे ऐसे चलते चलते 400 साल हो गए ना, जब ऐसे चलते चलते 400 साल हो गए तो आपने देखा आपने तो भाई 3 दिन ज्यादा ले लिए। क्यों ज्यादा लिए, क्योंकि आप ज्यादा काउंट कर रहे थे, ये 5 घंटे 48 मिनट थे आप 6 घंटे मान रहे थे, 6 घंटे मान के आपने हर साल जो है आपने 6-6 घंटे का गैप करके 1 साल में 12 मिनट 2 साल में 24 मिनट ऐसे ऐसे करते करते जब 400 साल गुजर गए तो आपने देखा आपने 3 दिन का टाइम तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ले लिया। अब वो 3 दिन कौन से खाते में जाएंगे, किसके अकाउंट में डालोगे वो 3 दिन, ठीक है ना। आप 3 दिन ज्यादा ले लिए उसको भी तो फिक्स करने गए ना कहीं, फिर ये जो 3 दिन फिक्स किए ये कहां गए, देखो फिर उन्होंने क्या किया, एक सेंचुरी ईयर बनाई। सेंचुरी ईयर समझते हो, 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल, ये होते हैं आपके सेंचुरी ईयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 400 साल का काउंट किया तो 400 साल के बाद आपके 3 दिन एक्स्ट्रा बन रहे थे। उन्होंने क्या किया, ऐसे तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहा था, बट उन्होंने क्या बोला कि जो सेंचुरी ईयर में जो ईयर्स आएंगे ना
वो 400 साल के बाद अगर 3 दिन काट रहे हैं तो हम इनमें से तीन एक एक दिन काट लेंगे, इसमें से एक एक दिन काट लेंगे। कैसे? ये आपका लीप ईयर नहीं रहेगा, ये आपका लीप ईयर नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका लीप ईयर नहीं रहेगा, ये भी आपका लीप ईयर नहीं रहेगा, ये भी आपका लीप ईयर नहीं रहेगा, आपका लीप ईयर कौन सा रहेगा? ये वाला। देखो 400 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज हो रहे थे, 3 दिन एक्स्ट्रा ले रहे थे ना। अब 3 दिन एक्स्ट्रा लेने का मतलब भाई 3 दिन निकालोगे कैलेंडर से। अब कैलेंडर से 3 दिन कहां से निकलेगा? आपने देखा 400 साल में 3 दिन निकाल लेना, आपने निकाल दो भाई 100th century, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी से, दूसरा दूसरी सेंचुरी से, तीसरा तीसरी सेंचुरी से, बट चौथा जो है उसको आपने फिर से लीप ईयर मान लिया। क्यों? क्योंकि बस 4 साल में 3 दिन काटने थे। कौन कौन सा काटा? 100, 200, 300 का। अब देखो फिर से, उसके बाद 500वां साल आएगा, 600वां आएगा, 700वां आएगा, 800वां आएगा, ये आएगा। आपने इसमें से भी एक दिन काट लिया, इसमें से भी काट लिया, इसमें से काट लिया, इसमें से नहीं काटा, ठीक है। हर 400 साल में 300 यानी कि सेंचुरी ईयर में 100 200 300 400 में नहीं काटा, 500 600 700 800 में नहीं काटा, है ना। अभी आप क्या करोगे? अब लीप ईयर काउंट करने का जो प्रोसीजर रहा वो क्या रहा कि भाई ऐसे तो कोई भी ईयर रहेगा, कोई भी ईयर रहेगा, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 से डिवाइड करो, जो होगा वो आपका लीप ईयर है, जो नहीं होगा वो नहीं है। लेकिन जब आपका सेंचुरी ईयर आ जाएगा, जब आपका सेंचुरी ईयर आ जाएगा, फिर आपने 4 से डिवाइड नहीं करना, फिर आपने 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। अगर 400 से डिवाइड होगा फिर ही आपका लीप ईयर कहलाएगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा, आपका ऑर्डिनरी ईयर ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आपने लिखा 1900, क्या ये लीप ईयर है? भाई अगर आपने देखा ये सेंचुरी ईयर है, लास्ट में 20, तो आप इसको 400 से डिवाइड करोगे, 20 से 20 कट गए, 4 चौके 16 होते हैं, 1900 होते हैं, इसका मतलब ये 1900 जो था ना आपका 1900, ये आपका लीप ईयर नहीं था, ये आपका लीप ईयर नहीं था। और क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लीप ईयर या विच वन इज नॉट लीप ईयर, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा किस तरह से आपने लीप ईयर जो है वो किस तरह से आपके बने। ऐसे तो आपको ये बताते हैं भाई जो सेंचुरी ईयर है उसको 400 से डिवाइड करो और जो दूसरा है उसको 4 से डिवाइड करो, लेकिन करना क्यों है वो आपका सही जो प्रोसेस है, जो विद प्रूफ है वो यहाँ पे है, ठीक है। वो जो आप प्रूफ देख रहे हो ना वो यहाँ पे है कि क्यों हमें सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है। क्लियर है यहां तक? अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, यहां तक क्लियर है? आप अपनी नोटबुक के ऊपर ही उतार लो, क्योंकि हम जो आगे क्वेश्चंस पूछेंगे वो इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ, आपके पहले ये बताओ 10 साल में लीप ईयर कितने आते हैं? 10 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं? आप बोलोगे सर 10 साल में एक तो आएगा 4 साल, एक तो आएगा 8 साल, यानी कि 2 ही लीप ईयर आए। आप उन्हें क्या किया? डिवाइड 4 से किया, 4 दुने 8, बस इसका मतलब 2 ही आपके लीप ईयर आए। मैंने पूछा बताओ 40 साल में कितने लीप ईयर आओगे? भाई 4 से डिवाइड किया 10, 10 चौके 40, इसका मतलब 10 लीप ईयर आए, ठीक है। अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो भाई आपको सीखना है तो कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इजी शुरू हूं मैं, बिल्कुल 10 साल में 20 साल में 30 साल में। अभी देखो मैं कुछ और भी पढ़ूंगा। अभी मेन क्वेश्चन आपका आ रहा है कि बताओ 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 100 साल में 100 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे, कितने लीप ईयर आएंगे, बताओ कितने लीप ईयर आएंगे 100 साल में कितने लीप ईयर आए? आपने देखा सर 100 को डिवाइड कर लो 4 के साथ, 4 1 इज 4, 25 चौके 100, तो भाई 25 आपके आगे लीप ईयर। क्या ये क्वेश्चन ठीक रहेगा? आपके माइंड में भी आ रहा होगा 25 लीप ईयर आए, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप 25 लगा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। गलत क्यों कर रहे हो? अरे भाई सीखा क्या आपने ऊपर? आपने अभी सीखा क्या ऊपर? आपने यही तो सीखा ना 100, 200, 300, 400 में ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये होगा। अब 100 साल की बात कर रहे हैं ना, 100 साल की बात कर रहे हैं तो आप 100th ईयर भी आप लीप ईयर मान रहे हो, बट ये नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? भाई 25 में से एक कम कर लो, आपका आंसर आएगा 24। 24 कैसे आएगा? जैसे 4 पे पहला ईयर, 8 पे दूसरा, 12 पे तीसरा, इस तरह करते करते 24 4 जा कितना होता 96, इसका मतलब 96 पे 24 ईयर आएंगे,
96 ईयर तक आपके 24 लीप ईयर आ गए, आगे आ रहा था 100th ईयर, बट 100th ईयर तो आपने करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो लीप ईयर है ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन में आएगा बताओ 100 सालों में लीप ईयर कितना है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? 24। आपका आंसर क्या रहना चाहिए? 24। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये तो आगे अब मैं डायरेक्ट पूछूंगा आपसे, ठीक है, मुझे बताओ 200 साल में लीप ईयर कितने आएंगे? 200 साल में लीप ईयर कितने आएंगे? बस सेम प्रोसीजर रखो, एक साल में 24 आए हैं, दूसरे साल में 48 आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी 200th ईयर जो है वो हमने नहीं लेना। आपके आगे सर 48 होते हैं, सर 48 लीप ईयर आते हैं, सर 48 लीप ईयर आते हैं। मैं अगर पूछूं आपसे बताओ 300 साल में कितने आएंगे? आपने कर दिया सर 24, 24, 48 और 24 आपके कितने हो गए? 72, यानी कि 72 लीप ईयर आए। अभी मैं पूछूं आपको 400 साल में कितने आए? आप बोलोगे 400 साल में? सर 400 साल में आ गए आपके 24, 24, 48 और 24, 72 और 24, 96। क्या ये 96 रहेंगे? क्या ये 96 रहेंगे? आपने देखा 400 साल में 96 साल, क्या ये रहेगा? क्या ये क्वेश्चन यही रहेगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके 400 साल में हर साल में ये लीप ईयर नहीं मान रहे थे, तो भाई इसको तो लीप ईयर मानना है, तो 96 प्लस 1 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या रहा? 96 नहीं रहा, 97 ईयर, ठीक है, सॉरी 97 लीप ईयर। क्या देखा आपने? 100 साल में 24, 200 साल में 48, 300 साल में 72, 400 साल में 97, है ना। अब 500वां साल आएगा तो फिर क्या आ जाएगा? 97 प्लस कितने आएंगे? प्लस 500 साल में 100 साल में 24, 97 प्लस 24 करोगे। जब भी आप करोगे आप 400 के मल्टीपल में करोगे। जहां तक पता चल गया, यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हो, 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में आपका 97 रहेंगे। क्यों रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन, आप लीप ईयर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब आगे नेक्स्ट आएगा, मुझे बताओ आपके 735 साल में कितने आएंगे? 735 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? आप बताओ कैसे काउंट करोगे? फिर से काउंट करोगे 100 में 24, 200 में 24, इस तरह से? बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे? आपको पता है 400 में कितने आते हैं? 400 में कितने आते हैं? 97। तो 400 प्लस 300 प्लस 35, इस तरह से काउंट करोगे। ये चीज मैंने सिखाई है ना, 400 में कितने हैं? 97। 300 में कितने आएंगे? 72। आपको बताया अभी। 35 में कितने आएंगे? 800 के 32, 900 के 36 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 आएंगे। बस 72 और 8 80 हो गए, 97 और 80 कितने हो जाएंगे? 97 और 80 कितने हो जाएंगे? आपके 177 होंगे कि नहीं होंगे? 97 और 80 कितने हो जाएंगे? 97 और 80, 7 का 7 और 9 और 8 17, 177 होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह से अब आपने काउंट करते जाना है आपने अपने लीप ईयर, ठीक है। मुझे बताओ 737 ईयर में कितने लीप ईयर आए? 177। आपने अभी खुद काउंट किया है। अभी मुझे बताओ 856 सालों में, 856 ईयर में बताओ कितने लीप ईयर आए होंगे? कितने लीप ईयर आए होंगे? आपने देखा सर 400 मल्टीप्लाई दो, 400 दुनी 800, क्योंकि 400 को क्यों कर रहे हो? क्योंकि 400 का ही आपका पूरा सेम कैलेंडर रहता है, ठीक है, तो 400 का ही मल्टीपल करना है। 400 दुनी 800 प्लस 56 ईयर, 400 दुनी 800 यानी कि 97 को मल्टीप्लाई कर दो के साथ, ये इजी रहेगा। प्लस 56 में कितने लीप ईयर आएंगे? 56 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे? 15 चौके 60, 14 चौके 56, 14 आएंगे। 97 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 और 184 हो गए, प्लस 14 कितने हो जाएंगे? 7 दुने 14, 4 एक कैरी, 9 दुने 18, 19, सॉरी 194 आएगा। और प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8 02 208 आया आपका। आपका आंसर क्या रहा? 856 ईयर में 208 लीप ईयर आ चुके हैं। इसी तरह से काउंट होगी जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, आगे पीछे से करोगे तो गलत कर दोगे। अब मुझे बताओ 2021 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, मुझे बताओ 2021 सालों में कितने लीप ईयर आए? बताओ मुझे, करके बताओगे? देखो आज तक मैंने, जब से कैलेंडर शुरू हुआ है आज तक मैंने लीप ईयर गिनवा दिया आपको।
अगर ये क्वेश्चन निकाल लोगे तो आज तक जितने भी लीप ईयर आए सारे मैंने आपको काउंट करवा दिया अगर आप ये कर दोगे तो। ठीक है, कुछ सीखने आओ ना। मैंने वही बोला था आपको कैलेंडर वन से लेके लास्ट तक आज तक कैलेंडर याद करवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अब आपने देखना है और क्वेश्चन निकालने हैं। अब लीप ईयर की बात कर रहा था तो मैंने आज तक देख लो 2021 साल हो गए हैं, आज तक कितने लीप ईयर आए हैं आपने देखा। सर 400 के मल्टीपल में 5, 400 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 2000 प्लस 21 साल, 2000 यानी कि 97 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ कितना है 7 5 35, 3 कैरी 45 और 3 48, 485 लीप ईयर ये वाले आ गए, प्लस 21 में कितना है 5, 5 के 20 होता है ना, तो 485 और 5 यानी कि 490 साल लीप ईयर वाले आ गए हैं आपके 2021 तक सॉरी है ना। तो ये था कंसेप्ट आपका लीप ईयर का, सामने से दिख रहा है अगर आपको पता चल गया ना 490 साल, इसका मतलब आपने लीप ईयर अच्छे से सीख लिया है। और देख लो जब से कैलेंडर शुरू हुआ आज तक के आपको लीप ईयर गिनवा दिया, अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछ ले, लीप ईयर का कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आप निकाल दोगे चुटकियों में, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये चीजें पता है तो, है ना। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और करके बताइए मुझे। आप मुझे बताओ 967 साल में यानी कि 967 ईयर में कितने लीप ईयर आए बताओ, 967 ईयर में कितने लीप ईयर आए। आपने देखा 400 के मल्टीपल में 2 4 2 8, भाई 400 का मल्टीपल 2 के साथ मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है हर 400 साल के बाद कैलेंडर सेम हो जाता है, हर 400 साल के बाद कैलेंडर सेम हो जाता है। जैसे 400 में 97 आया अगले 400 में फिर से 97 आएंगे, वो मैंने आपको करके बता दिया। तो 400 × 2 800 प्लस कितना हो गया 800 ये हो गया प्लस अभी कितना पड़ा हुआ है 100, 900 गया प्लस 67 यही आएगा, 400 × 2 = 800 प्लस 100 + 900 प्लस 67 आ गया। अब मुझे बताओ 400 में कितने आएंगे, 97 मल्टीप्लाई 2 के साथ कर रहा है, प्लस 100 में कितने हैं आपके, 100 में कितने हैं आपके, 100 में आपके गिन के बताया था आपको 24 आते हैं, 67 में कितने आएंगे, 67 में डिवाइड कर लो 4 के साथ कितना आएगा 67 है, 4 × 4 2 = 27 तो 6 × 24 16 × 64 और 3 है ठीक है तो 16 आ जाएंगे, तो प्लस कर दो आप ये 194 आया था और 24 और 16 कितने होते हैं 40, तो 194 और 40 कितने हो गए, 194 और 40 कितने हो गए आपके आगे 234, यानी कि 234 आपके क्या है लीप ईयर आए। आई होप सभी को लीप ईयर निकालना अच्छे से आ गया होगा, अगर आ गया है तो मुझे एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के मुझे आपने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बता देना है कि बताओ बताओ 1432 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 1432 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। ठीक है फटाफट से मुझे इसको निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दो ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि आप हाँ अच्छे से सीख रहे हो, मुझे पता चल गया कि अब आपका थोड़ा सा लेवल जो क्लास का बढ़ गया है, अब जैसे जैसे नेक्स्ट करते जाएंगे नेक्स्ट आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अगली क्लास में आपका बेसिक खत्म है उसके बाद हो सकता है अगली क्लास में क्वेश्चन शुरू कर दूं आपको कराना, तो बस अगली क्लास में आपका बेसिक खत्म, आगे क्वेश्चन कोई भी आएगा कहीं से भी क्वेश्चन ले आना, क्वेश्चन निकाल के बता दूंगा अगर आपने ये बेसिक कर लिया तो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से कर पाओगे अगर आप ये पूरे बेसिक क्लास अच्छे से पढ़ लोगे तो। क्लियर है यहां तक, तो आज की क्लास को भी हम यहीं पे रखते हैं, कल आपका मेन पॉइंट होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑडेज, ऑडेज को कैसे कैलकुलेशन करें, मंथ की आपको बता दिया अलग से, ईयर के अलग से बता दिया, दिन के अलग से बता दिया, अब हम करेंगे पूरे डेट के हिसाब से कैलकुलेशन की, बताओ इतने सालों में कितने ऑडेज आए इस तरह से ठीक है, ऑडेज निकालिए फिर चाहे कोई भी डेट का आप कोई भी डेट का डे आप आसानी से बता पाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का बेसिक बचा उसके बाद आप हर कोई क्वेश्चन कर पाओगे, इतना आपको काबिल कर देंगे ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस क्वेश्चन का हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ आवर डेज करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।